जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बैठ गए हैं दुबई सिटी बस में, और जो ये दुबई का नज़ारा है वो अंदर का है, जो हम आपको बस की सैर करते करते दिखाएंगे। ये सामने वाली वो जो दो मीनार दिख रही है आपको, मस्जिद दिख रही है, और ये जो बस स्टॉप के ऊपर जो यूनियन होती है, हमारे यहाँ इंडिया में होती है बस स्टॉप, और यहाँ होती है यूनियन। जो यूनियन पे बस चल पड़ी है, यहाँ पर ब्रिज है सामने और बढ़िया हरियाली है। तो ये अंदर का माहौल है, ये दुबई का जो अंदर का माहौल होता है वो है दुबई का, और बाहर का माहौल मैं कह सकता हूँ अपने रेगिस्तान होता है उससे भी बरहाल है। तो आप अंदर का माहौल बहुत ही मतलब अच्छा है, इसीलिए दुबई प्रसिद्ध है बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए, और अच्छे अच्छे जो दर्शनीय स्थल है उनके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग काफ़ी देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यहाँ के जो रूल और रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर बड़ी सावधानियाँ बरती जाती है, और जगह जगहों पर सिग्नल बने हुए हैं यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खास बात मैंने देखी है कि यहाँ पर गाड़ी वाले को रोकना पड़ता है जब आदमी रोड क्रॉस करता है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, आदमी को रुकना इंसान को रुकना पड़ता है जब गाड़ी निकलती है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेन सिटी के अंदर से हम जो रोला है, रोला से हम यहाँ पर आए हैं और बस स्टॉप पर, यूनियन बस स्टॉप पर, और रोला से हम जा रहे हैं देहरा दुबई। ये कार पार्किंग है नीचे, और बड़ी सुंदर तरीके से कार पार्किंग है वो जचाई गई है यहाँ पर। और जैसा कि मैं ऊपर से दिखा देता हूँ बिल्डिंग, जहाँ तक देखो वहाँ तक ऊँची ऊँची बिल्डिंग। हम आपको बुर्ज खलीफा की शेयर भी कराएंगे इंशाल्लाह ताला, हम बने रहे तो दुबई के अंदर। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये मैं एक बार बस हमारी जो बस है सिटी बस वो दिखा देता हूँ। अब एकदम लग्जरी VIP जो रूम होता है उसी की तरह है, यहाँ पर स्क्रीन LED लगी हुई है, यहाँ पर सभी सूचनाएँ मिलती रहती है। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, जो बस स्टॉप है छोटे बस स्टॉप, AC के रूम है इसके अंदर, और ये जो कैफे वगैरह है वो है। और यहाँ पर एक मतलब कुछ ही दूरी के अंदर, जैसे कि 1 किलोमीटर हो गया, वहाँ पर मस्जिद ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों हमें यूनियन बस स्टैंड से उतरकर और आ गए हैं जो लंबा पार्क है दुबई मेन दुबई के अंदर, जो है ये पार्क है सबसे लंबा पार्क, इसी बोला जाता है हमारी भाषा में लंबा पार्क। और ये तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर है, यहाँ पर शानदार हरियाली बनी हुई है। यहाँ पर जो टूरिस्ट जो लोग होते हैं यहाँ पर जो कमाई की पर्पज़ से आते हैं, वो अगर उनको रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है वो रात भर भटक नहीं सकते, यहाँ पर जो है वो आकर स्टे कर सकते हैं। और अब हम जो है जा रहे हैं रूम की ओर। ये पार्क है, बड़ा ही शानदार पार्क है, देख सकते हैं आप खजूर के पेड़ चारों ओर, और जो बीच में चलने का जो पैदल चलने का है, और यहाँ पर साइकिल बहुत ज़्यादा चलती है दुबई के अंदर, साइकिलें बहुत ज़्यादा चलने लगी है फिलहाल। और यहाँ पर बड़ा ही सुकून है इस जगह पर, ख़ास करके वक्की दुबई के अंदर बड़ा ट्रैफिक रहता है, और बस यही है दुबई, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, अमीरों का शहर इसे बोल सकते हो आप। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और विजिट पर आने जाते हैं तो ख़ास करके ध्यान रहे, आपका कोई ख़ास रिश्तेदार होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा होता है वो इंडिया के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है यहाँ की धर्म के हिसाब से। यहाँ पर मतलब इंडिया के हो गए एक धर्म के 22, यानी 1 रुपये गया तो 22 रुपये गए अगले के, कितना भी खास हो आदमी हो वो 100 रुपये खर्च करने से पहले सोचेगा। तो आप जो बड़ा ये तो कोई ख़ास रिलेशन है आपका तो उनके पास ही ज़रूर आए, और ऐसे ही वो पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तानी भाई है वो विजिट पे आते तो ख़ास रिश्तेदार के यहाँ आए, नहीं तो पाकिस्तान के भी यहाँ लगभग
70 रुपीज़ के करीब बन रहे हैं अभी। तो दबोई का बड़ा ही ख़राब हाल है, और जॉब करने आए तो एक पुख्ता इतला के साथ आए ताकि आप कहाँ यहाँ पर फंसे ना और सुरक्षित जॉब करें यहाँ पर। बाकी दबोई का जो फ़िलहाल का माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर जॉब बड़ा मुश्किल हो रहा है मिलने के लिए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ कोई कमाई के पर्पज से आता है यहाँ पर तो वो पूरी मतलब एजेंट के द्वारा आए और पूरी इतला के साथ आए ताकि यहाँ पर आकर आपको बड़े खर्चे ना उठाने पड़े और हाथ ना फैलाने पड़े किसी के सामने। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों रोड क्रॉसिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर गाड़ी को रुकना पड़ता है, आदमी को निकालने के लिए, इंसान को निकालने के लिए गाड़ियों को रुकना पड़ता है। और कोई कोई सिग्नल ये होता है कि जो आपको सिग्नल दिख रहा है आपको, वो सिग्नल पे रेड है, वो अब ग्रीन हो जाएगा तब ये लोग यहाँ से निकलेंगे। देख रहे हो आप,